सज्जन घबराते हुए नामे अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना। इतना कहकर रज्जन खुद ही चुप हो जाता है, जैसे वो खुद घबरा रहा हो इस बारे में सोचकर ही कि अगर कामदेव वशीकरण टूट गया तो क्या होगा। वो अच्छे से जानता था कि वो कामेश्वरी यक्षिणी से तो नहीं लड़ सकता था, इसीलिए तो उसने ये सब साजिश रची थी, क्योंकि उसे बस कामेश्वरी यक्षिणी को पाना था, चाहे उसके लिए उसे कोई तिकड़म ही क्यों न लगाना पड़े। अगले पल रज्जन अपनी जगह पर से खड़े होते हुए कहता है, लगता है मुझे खुद ही देख कर आना पड़ेगा कि कामेश्वरी को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इतना कहकर रज्जन अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। रज्जन सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लग जाता है। रज्जन उस कमरे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जहां पर कभी अनुराग और कामेश्वरी यक्षिणी साथ में रातें बिताया करते थे। कमरे का दरवाजा अंदर से लगा हुआ था, जिस कारण रज्जन को बाहर ही खड़ा होना पड़ गया था, वो अंदर नहीं गया था। रज्जन दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, कामेश्वरी कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी का कोई जवाब नहीं आता है। रज्जन फिर कामेश्वरी यक्षिणी को पुकारते हुए कहता है, कामेश्वरी तुम अंदर ही हो ना, कामेश्वरी देखो मैं तैयार हो गया, दरवाजा खोलो। कामेश्वरी यक्षिणी का अभी भी कोई जवाब नहीं आता है। रज्जन खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, आखिर ये कामेश्वरी को हुआ क्या है, वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी को पुकारते हुए फिर से दरवाजा खटखटाने लग जाता है, पर तब भी कामेश्वरी यक्षिणी दरवाजा नहीं खोलती है। ये सब देखकर रज्जन को गुस्सा आने लग जाता है। रज्जन गुस्से के साथ ही खुद से कहता है, लगता है अब मुझे ही अपने तरीके से दरवाजा खुलवाना पड़ेगा। इतना कहकर रज्जन ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ की ही थी कि तभी दरवाजा खुल जाता है। जब दरवाजा खुलता है और रज्जन सामने की तरफ अपनी नजरें करता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके चेहरे पर आया गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। रज्जन के सामने कोई और नहीं बल्कि लाल जोड़े में कामेश्वरी यक्षिणी खड़ी हुई थी, जो लाल जोड़े में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दुल्हन के वेश में कामेश्वरी यक्षिणी की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई थी। कामेश्वरी यक्षिणी ने अपने माथे के बीचों बीच एक गोल लाल बिंदी लगाई हुई थी और उस बिंदी के बीचों बीच एक छोटा सा सफेद मोती था। होठों पर लाल लिपस्टिक, बालों में गजरा और हाथों में लाल चूड़ा था। इस पूरे श्रृंगार में कामेश्वरी यक्षिणी का बदन और भी ज्यादा मनमोहक लग रहा था, इतना ज्यादा मनमोहक कि स्वर्ग की अप्सरा भी कामेश्वरी यक्षिणी के मनमोहक बदन के आगे फीकी पड़ जाए। यही कारण था कि कामेश्वरी यक्षिणी ने जब से दरवाजा खोला था, रज्जन एकटक उसके बदन को देखे जा रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी से कुछ बोल ही नहीं रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी बड़े प्यार से रज्जन से कहती है, रज्जन जी ऐसे बंदरों की तरह मुझे घूरते ही रहेंगे कि कुछ बोलेंगे भी आप। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे को छोड़कर उसकी मादक कमर को देखते हुए कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी शर्माते हुए कहती है, वो तो मुझे पता है, पर क्या आप यही कहने के लिए तब से दरवाजा पीटे जा रहे थे। रज्जन कहता है, नहीं कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत पूछती है, तो फिर क्यों पीट रहे थे आप दरवाजा। रज्जन जवाब देता है, ये जानने के लिए कि तुम अब तक नीचे क्यों नहीं आई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कामेश्वरी, विवाह की सारी तैयारी हो चुकी है। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, विवाह की सारी तैयारी हो गई तो क्या हुआ रज्जन जी, पर दुल्हन का तैयार होना भी तो जरूरी है ना, अब मैं दुल्हन हूँ, आज मेरा विवाह है तो मुझे तो तैयार होने में वक्त लगेगा ही ना। रज्जन बड़े प्यार से कहता है, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है कामेश्वरी, तुम्हारे सामने तो वैसे ही कायनात की सारी खूबसूरती फीकी है। ये बातें सुनकर कामेश्वरी यक्षिणी और ज्यादा शर्माने लग जाती है, पलटकर कुछ कहती ही नहीं है। रज्जन फिर कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, अब तुम तैयार हो गई हो या अभी भी वक्त है तुम्हें। कामेश्वरी यक्षिणी अदाओं के साथ कहती है, वैसे अभी तो मुझे और श्रृंगार करना था, पर लगता है आपको विवाह की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, अब आप यहाँ पर आ गए हैं तो समझ लीजिए हो गई हूँ मैं तैयार, आखिर अब से आपकी ही खुशी में तो मेरी सारी खुशी है। रज्जन हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं नहीं कामेश्वरी, तुम्हें और वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो, मैं कुछ देर और तुम्हारा इंतजार कर लूंगा, आखिर विवाह जीवन में एक बार ही तो होता है, तो उस विवाह में हमें हमारी सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। जैसे ही रज्जन ये बात बोलता है, कामेश्वरी यक्षिणी कसकस कर हंसना शुरू कर देती है। रज्जन के समझ ही नहीं आता है कि कामेश्वरी यक्षिणी क्यों हंस रही थी, वो बस बेवकूफों की तरह कामेश्वरी यक्षिणी को हंसते हुए देखे जा रहा था, पर जब उसे थोड़ा कुछ अजीब लगता है तो वो खुद ही हिचकिचाहट के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ता है, क्या हुआ कामेश्वरी तुम हंस क्यों रही हो, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। कामेश्वरी यक्षिणी हंसते हुए ही कहती है, नहीं नहीं रज्जन जी, मैं तो आपकी मासूमियत पर हंस रही हूँ, कितने मासूम हैं आप,
मैं आपसे मजाक कर रही थी और आप वो मजाक भी नहीं समझ पाए। मैं तैयार हो गई हूँ, तभी तो दरवाजा खोलकर मैं कमरे से बाहर आई हूँ। अगर मैं तैयार नहीं हुई होती तो मैं तो कमरे से बाहर ही नहीं आती और पीटने देती आपको दरवाजा। रजन कुछ गुस्से के साथ मन में सोचता है। हंसले कामेश्वरी हंसले, तुझे जितना हंसना है हंसले। मजाक मेरे साथ हुआ है या तेरे साथ, वो तो तुझे तब पता चलेगा जब तेरा और मेरा विवाह हो जाएगा। अगले पल रजन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, चलें कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी रजन के हाथ में अपना हाथ देते हुए कहती है, हाँ चलिए मेरे होने वाले पतिदेव। रजन कामेश्वरी यक्षिणी का हाथ थामता है और उसके साथ ही आगे बढ़ने लग जाता है। जब कामेश्वरी यक्षिणी कॉरिडोर तक पहुंचती है और वहां से सीढ़ियों को देखती है तो उसका मन और भी ज्यादा पुलकित हो जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी की सीढ़ियां पूरी तरह गुलाब के फूलों से सजी हुई थी। जहां जहां पर कामेश्वरी यक्षिणी के कदम पड़ रहे थे हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी जब ग्रेवयार्ड कोठी को फूलों और सुनहरी लाइटों से सजा हुआ देखती है तो उसकी आंखें भी चौंधिया जाती हैं। वो बस ग्रेवयार्ड कोठी को देखते ही रह जाती है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर थी। रजन ने इतना अच्छा ग्रेवयार्ड कोठी को सजाया था कि उसने पूरी ग्रेवयार्ड कोठी का हुलिया बदल कर रख दिया था। कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी को ही देखते हुए कहती है, ग्रेवयार्ड कोठी तो बहुत सुंदर लग रही है पतिदेव, आपने तो ग्रेवयार्ड कोठी को बहुत सुंदर सजाया है। रजन कामेश्वरी यक्षिणी के चेहरे को एकटक देखते हुए कहता है, नहीं कामेश्वरी, ग्रेवयार्ड कोठी तुम्हारे चेहरे से ज्यादा सुंदर नहीं लग रही है। आज कोई सुंदर है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ये रूप है। कामेश्वरी यक्षिणी फिर रजन की बात सुनकर शर्मा जाती है और शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेती है। रजन और कामेश्वरी यक्षिणी दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आते हैं और हॉल के बीचों बीच जो रजन ने मंडप तैयार किया था उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। मंडप के बीचों बीच एक छोटा सा कुंड था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था और उसी कुंड के पानी के ऊपर ढेर सारे चमेली के फूल तैर रहे थे। वो पानी का कुंड चमेली के फूल से भरा हुआ था। रजन और कामेश्वरी यक्षिणी उस पानी के छोटे से कुंड के पास जाते हैं और एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। रजन और कामेश्वरी यक्षिणी दोनों को एक दूसरे का चेहरा एकदम क्लियर नजर आ रहा था। रजन कामेश्वरी यक्षिणी को बड़े प्यार से कहता है, तुम्हें चमेली के फूल पसंद है ना कामेश्वरी, देखो मैंने तुम्हारे लिए चमेली के फूलों से भी हमारा पूरा मंडप सजाया है। कामेश्वरी यक्षिणी पलट कर कहती है, आपको मेरी पसंद नापसंद की कितनी फिक्र है पतिदेव जी, सच में आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आपके जैसा पति ईश्वर सबको दे। रजन मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, अब विवाह की रस्म शुरू करें कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी रजन से कहती है, अभी नहीं पति देव जी। रजन मन में सोचने लग जाता है, आखिर इस कामेश्वरी को हुआ क्या है, ये मेरे वश में है भी या नहीं, कब से किसी न किसी बात पर देर किए ही जा रही है, अब इसे क्या हो गया। रजन अपने गुस्से पर जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से झूठी मुस्कान के साथ बड़े प्यार से पूछता है, क्यों क्या हुआ कामेश्वरी, अब किस चीज का इंतजार है। कामेश्वरी अपने आसपास देखते हुए कहती है, किसी चीज की कमी लग रही है पतिदेव जी। रजन हैरानी के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, कमी लग रही है पर किस चीज की कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के चारों ओर देखते हुए ही कहती है, किसी चीज की कमी लग रही है, किस चीज की अब मैं आपको कैसे बताऊं, हाँ संगीत की। पतिदेव जी देखिए ना, यहाँ पर सब कुछ है पर शहनाइयां तो बज नहीं रही है, इतना सन्नाटा तो मातम में भी नहीं होता पतिदेव जी जितना हमारे विवाह में है। रजन कहता है, तुम्हें संगीत चाहिए ना कामेश्वरी, रुको उसका इंतजाम भी मैं अभी कर देता हूँ, आज मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं बचनी चाहिए, आखिर आज हमारा विवाह है, एक यक्ष और यक्षिणी का विवाह। इतना कहकर रजन मन ही मन मंत्र बड़बड़ाता है और वो मंत्र पूरा होते ही वहाँ पर तीन चार शहनाइयां आ जाती हैं और अपने आप ही बजने लग जाती हैं। रजन कहता है, लो कामेश्वरी अब तो शहनाइयां भी बजने लग गई, अब हम विवाह की रस्में शुरू करें। कामेश्वरी यक्षिणी खुश होते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं पति देव जी, मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रही हूँ, मैं तो तरस रही हूँ आपसे विवाह करने के लिए। रजन मन में सोचने लग जाता है, तरस तो मैं रहा हूँ कामेश्वरी विवाह के पश्चात तेरे साथ सुहागरात मनाने के लिए। अगले ही पल रजन विवाह की रस्में शुरू कर देता है, वो खुद ही अपनी शादी के मंत्र पढ़ने लग जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी शहनाइयों की धुन से गूंज उठती है। एक एक करके रजन सभी मंत्र पढ़ते जा रहा था और सारी रस्में निभाते जा रहा था और अब विवाह में सबसे जरूरी सात वचन देने का वक्त आ गया था। रजन अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाते हुए मंत्र पढ़ते हुए कहता है, धर्मे चारणे संस्थिता त्वमेतत् परमं ब्रह्म
मधुपर्णा महम स्वामु सुतास्ते तन्याम ददाउ। इतना कहकर रज्जन अपना हाथ उस पानी के कुंड के अंदर डाल देता है जो उनके सामने रखा हुआ था, जिसके अंदर चमेली के सफेद फूल रखे थे। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, तुम परम ब्रह्म की अवतार हो, मैं तुम्हें ब्रह्म के समान समझता हूँ, मैं तुम्हें मेरी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इतना कहकर रज्जन उस पानी के कुंड में से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। जैसे रज्जन अपना हाथ पानी के कुंड में से बाहर निकालता है, एक चमेली के फूल का रंग बदलने लग जाता है। वो चमेली का फूल सफेद से लाल हो जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी भी अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाते हुए मंत्र पढ़ते हुए कहती है, यथार्थम वद्धि धर्मज्ञ स्त्रीणाम संप्रति दुर्लभम अयम ते भगवान साक्षात धर्म प्रतिहतय स्वयं। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी भी अपना हाथ पानी के कुंड के अंदर डाल देती है। कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम स्त्रियों के धर्म को सच्चाई से जानते हो जो वर्तमान में अत्यंत दुर्लभ है। तुम मेरे भगवान हो, तुम धन को भी स्वयं ठीक कर सकते हो। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी भी अपना हाथ पानी के कुंड में से बाहर निकाल लेती है। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी अपना हाथ बाहर निकालती है, पानी के कुंड के अंदर रखा एक और चमेली का फूल लाल रंग का हो जाता है। एक एक करके रज्जन और कामेश्वरी यक्षिणी एक एक मंत्र पढ़ते जा रहे थे और एक दूसरे को वचन देते हुए अपने हाथ पानी के कुंड के अंदर डालते जा रहे थे। और जब हाथ पानी के कुंड से बाहर निकालते जा रहे थे, सफेद चमेली के फूल का रंग लाल में बदलते जा रहा था। रज्जन और कामेश्वरी यक्षिणी ने एक दूसरे को 6 वचन दे दिए थे। कामेश्वरी यक्षिणी सबसे आखिरी